सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किया था प्रैक्टिस एट 10.1, अभी हम करेंगे प्रैक्टिस एट 10.2। इसमें भी वही क्वेश्चन है जो लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने किया था, डिवाइड एंड राइट क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, सो आपको याद है लास्ट टाइम आपने डिवाइड किया था, तभी जो आपका डिवाइजर था बाहर उसमें सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी, लेकिन यहाँ पे डिवाइजर में आपके पास दो दो चीज़ होगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है, वाई भी है और फोर भी है, सो डबल चीज़ होगी। तो इसको कैसे करने का, बहुत सिंपल है, डोंट वरी। पहले आपको इसको अंदर लिखना पड़ेगा, लेकिन लिखने के टाइम आपको ये दिखना है कि वो प्रॉपर ऑर्डर में है या नहीं। ठीक है, मतलब y स्क्वायर ये 2 बड़ा है, ठीक है, इसके बाद आएगा y रेस 2, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। ठीक है, सो पहले 2 आया, ठीक है, बड़ा है, फिर 1 है, ठीक है, इसके बाद तो y है ही नहीं, मतलब 2, 1 एंड 0, मतलब ये बड़े से छोटे ऑर्डर में है। तो एज इट इज़ इसको देख देख के आपको लिखना होगा, ठीक है। एंड डिवाइजर में भी पहले आएगा आपका वेरिएबल, जो लेटर रहता है हमेशा वो आएगा, बाद में आएगा आपका नंबर। ठीक है, हमेशा वेरिएबल लेटर पहले लिखने का, उसके बाद आपका नंबर लिखने का, +4 -4 जो भी है। अब इसको देखो कैसे करते हैं, पहले सिर्फ y को देखो, ठीक है, y और 4 को देखे, कन्फ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, सिर्फ ये वेरिएबल लिखो y। मैं y को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा जो मुझे y स्क्वायर देगा, आंसर है y। कैसे, y y इज़ आ y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, आपको याद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुआ, जैसे आपने y को y के साथ मल्टीप्लाई किया, सो ये जो प्लस फोर है वो क्या कहता है, मैं भी इस y के साथ मल्टीप्लाई होऊंगा। सो प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय वाई कितना होगा, +4y। वो +4y 10y के नीचे लिखूंगा कि 24 के नीचे लिखूंगा, y के नीचे y आएगा, इसलिए +4 मल्टीप्लाई बाय वाई जो है आपका +4y, y के नीचे y। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना है, 4 मल्टीप्लाई बाय वाई 4y होता है, तो 10y के नीचे लिखने का, y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर, y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर। ठीक है, सो ये प्लस है तो उसका अपोजिट साइन लगाने का माइनस। ठीक है, अपोजिट साइन लिखने का हमेशा, यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, ठीक है, माइनस होता तो प्लस लिखने का। तो ये प्लस वाई स्क्वायर है, कुछ भी साइन नहीं, मतलब प्लस है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये गया कैंसिल आउट। ठीक है, ये प्लस 10y है और ये -4y है। ठीक है, इसको मत देखो, सर्कल वाले साइन को देखो, प्लस 10y -4y, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, 10y -4y, 10 में से 4 गया, कितना बचा, y, 10y -4y कितना होता है, 6y, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, इसलिए 10 -4 6y किया। ठीक है, अब आएगा साइन की बारी, 10y बड़ा है कि 4y बड़ा है, ऑब्वियसली 10y बड़ा है, 10y का क्या साइन है, प्लस, इसलिए इसको कुछ करेंगे नहीं, प्लस का प्लस साइन रहेगा। ठीक है, अब ये जो +24 है ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि इसका काम तमाम हो गया, इसका हमने प्लस माइनस जो भी करना था कर लिया, तो ये बेचारा अकेला बच गया, इसको भी नीचे ले आए। अगेन y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा जो मुझे 6y देगा, ठीक है, सिर्फ y को देखो, y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा जो मुझे 6y देगा, +6, करेक्ट, y मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 6y। ठीक है, लेकिन प्लस 4 बुरा मान गया, वो बोलता है मुझे भी 6 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है भैया हो जाओ, 4 × 6 +4 × +6 कितना होगा, +24, है ना, 4×6 = 24, प्लस 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 होता है। ठीक है, प्लस 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 चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे, अभी यहाँ प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, +6y - 6y 0, +24 और -24, ठीक है, +24 और -24 हो जाएगा 0। ठीक है, सो आपका क्वोशेंट, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, क्वोशेंट कितना है, y प्लस 6, रिमाइंडर कितना है, लास्ट में कितना बचा, 0। समझ में आ गया, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, अभी थोड़ा स्पीड में जाऊँगा, अभी p² + 7p - 5। ठीक है, सबसे पहले p स्क्वायर है, फिर इसके बाद p² 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, सो p² p 1 माई नंबर,
तो उसको वैसे ऑर्डर में लिखा, और यहाँ पे डिवाइड बाय पी प्लस थ्री आपका वेरिएबल यानी अल्फ़ाबेट पहले आएगा फिर नंबर आएगा। पी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा जो मुझे पी स्क्वायर देगा, पी पिज़ा पी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन प्लस थ्री बुरा मान गया, वो बोलते हैं मुझे भी मल्टीप्लाई होना है, सो प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाय पी कितना होगा, प्लस थ्री पी, पी के नीचे पी, पी स्क्वायर के नीचे पी स्क्वायर, प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसल आउट। अब यहाँ पे देखो प्लस सेवन पी और माइनस थ्री पी, ठीक है, सर्कल वाले को देखने का, प्लस माइनस माइनस होता है तो सेवन पी माइनस थ्री पी कितना होगा, फोर पी, करेक्ट। और साइन किसका आएगा, सेवन पी या थ्री पी का, सेवन पी का, क्यों, सेवन थ्री से बड़ा है, सेवन का प्लस साइन है इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आएगा, नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। इसका काम तमाम हो गया, इसका काम हो गया, जो माइनस पाई है उसको नीचे ले आओ, गलती से भी माइनस को मत छोड़ना, गलती से प्लस मत कर देना, माइनस पाई इधर है तो माइनस पाई नीचे एरो से नीचे दिखा देंगे, नीचे आ गया, ठीक है। अब पी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा जो मुझे फोर पी देगा, आंसर है फोर, कैसे, पी मल्टीप्लाई बाय फोर इज फोर पी, करेक्ट। वैसे ही प्लस थ्री भी फोर से मल्टीप्लाई होगा, पी के साथ हो गया, अब थ्री के साथ फोर मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व प्लस प्लस प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। साइन लगाना रह गया, प्लस है तो नीचे आएगा माइनस, प्लस है तो नीचे आएगा माइनस, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी हमने किया था, साइन चेंज करना होता है, ठीक है, यहाँ भी आपको करना होगा, माइनस होगा, फोर पी माइनस फोर पी ज़ीरो हो गया, माइनस फाइव और माइनस ट्वेल्व, ठीक है, सर्कल वाला साइन देखो, माइनस फाइव और माइनस ट्वेल्व, इसको कैसे करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए फाइव प्लस ट्वेल्व सेवनटीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, मुझे साइन लगाना है, अभी ट्वेल्व का साइन लगाऊंगा कि फाइव का, ट्वेल्व का, क्यों, क्योंकि ट्वेल्व एक बड़ा नंबर है, फाइव से ट्वेल्व बड़ा नंबर है, ट्वेल्व का क्या साइन है, माइनस, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, माइनस, ठीक है। सबको क्वेश्चन कितना आया, पी प्लस फोर, रिमाइंडर कितना आया, माइनस सेवेंटीन, आर वी क्लियर, ठीक है। अगले वीडियो में मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर, इसको प्रैक्टिस करना स्टूडेंट्स, देखने में इजी लगता है और वाकई में इजी है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, देखने से नहीं होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना।